आज मैं लाई हूँ पेड़े की रेसिपी। मुंह में घुल जाने वाली हलवाई स्टाइल में बनाकर तैयार किया है मैंने ये पेड़ा। जैसे दुकान वाले बनाकर तैयार करते हैं पेड़े को, उसी तरीके से मैंने आज घर में बनाया है। वो भी सिर्फ, यकीन मानिए, 3 ही इंग्रेडिएंट से इतना परफेक्ट पेड़ा मैंने बनाकर तैयार किया है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं उषा फिकर कुक के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, कढ़ाई मैंने गैस पे चढ़ा दी और हल्की कढ़ाई यहाँ पर गर्म हो गई है। तो मैं इसमें डालूंगी 50 ग्राम देसी घी। आप देसी घी की जगह कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, पर देसी घी में बनाई गई मिठाई बहुत ज़्यादा टेस्टी और यमी लगती है। और हल्का घी को यहाँ पर हम मेल्ट हो जाने देते हैं इस तरीके से। और अब घी हम जब हमारी मेल्ट हो गई है तो इसमें मैं डालूंगी 100 ग्राम। मैंने यहाँ पर ये मैदा लिया है, इसे अच्छे से छन्नी से छान कर मैंने ले लिया था। और इस तरीके से घी में डालने के बाद इसे लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हल्का कलर चेंज करना है मैदे का हमको यहाँ पर, और लगातार चलाते ही रहना है इसे, और लो मीडियम फ्लेम पर, नहीं तो मैदा यहाँ पर जल जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कलर मैदे ने चेंज कर दिया है अपना। और इस तरीके से मैश कर लेती हूँ, जो गुठलियाँ होंगी वो अच्छे से मैश हो जाएंगी इसमें। तो मैदा भूनकर यहाँ पर रेडी हो गया है। तो मैं एक दूसरा बर्तन लूँगी और दूसरे बर्तन में ये जो हमने मैदे को भूनकर तैयार किया है इसे पलट लेती हूँ ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो सारे मैदे को मैंने यहाँ पर पलट लिया है थाली में और इसे थोड़ा सा फैला लूँगी इस तरीके से ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। और ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, इतना ठंडा करना है कि हम अपने हाथों से इसे छू सकें। तो मैदा यहाँ पर ठंडा हो गया है। अब इसे मैं चम्मच से की सहायता से इस तरीके से मैश कर लेती हूँ ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ हो अच्छे से मैश हो जाए। तो मैंने यहाँ पर मैश कर लिया है मैदे को अच्छे से। और अब मैं इसमें डालूँगी फ्लेवर के लिए, तो यहाँ पर मैंने 2 इलायची ली है, इसे घर में दरदरी कूट ली है। आप इसकी जगह मार्केट वाली भी इलायची पाउडर ले सकते हैं। तो मैंने घर में ही इसका 2 इलायचियों को कूट लिया था दरदरा, और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट अब मैं डालूंगी, ये चीनी पाउडर। तो मैंने यहाँ पर 100 ग्राम चीनी का यूज़ किया है, इसे मिक्सर में डालकर अच्छे से पाउडर फॉर्म में कर लिया था। तो अब इसे डाल देंगे हम इस तरीके से। तो सारे चीनियों को मैंने डाल दिया है और इसे अब क्या करेंगे, चम्मच की सहायता से इस तरीके से मैदे में अच्छे से मिक्स करेंगे भुने हुए मैदे के साथ में इस तरीके से। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर घी रिलीज कर दिया है मैदे ने। और अब मैं चम्मच को हटाकर हाथों से ही अच्छे से इसे मैश कर लेती हूँ। चम्मच से अच्छे से मैश नहीं हुआ तो ये हाथों से ही मैं इसे मैश कर लेती हूँ इस तरीके से। देखिए कितने अच्छे से मैश हो गया है ये। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा मैंने यहाँ पर मेल्टेड घी लिया है, तो हाथों को चिकना कर लिया है मैंने। और अब इसमें से थोड़ा सा हम पेड़े बनाने के लिए ये डो लेंगे इस तरीके से। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा ले सकते हैं पेड़े बनाने के लिए डो। और इस तरीके से गोल करने के बाद इसे राउंड सर्कल शेप देंगे और देखिए कितना टेस्टी यमी, देखने से इसका टेक्सचर कितना अच्छा लग रहा है जैसे हलवाई वाले बनाकर तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पेड़ा बनाकर रेडी कर दिया है, तो उसे दूसरे बर्तन में रख देती हूँ और दूसरा भी आपको बनाकर दिखाती हूँ। इस तरीके से हम थोड़ा सा इसे राउंड कर लेंगे इस तरीके से और दोनों हाथों की सहायता से एकदम गोल करेंगे इसे इस तरीके से। और दूसरा भी पेड़ा हमारा बनकर यहाँ पर तैयार हो गया है। और यकीन मानिए खाने में बहुत ज़्यादा यमी टेस्टी लगती है, जैसे हम खोए का बनाकर तैयार करते हैं पेड़ा या दूध का पेड़ा बनाकर तैयार करते हैं, उसी तरीके से ये भी मुँह में घुल जाने वाला पेड़ा बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स। और सारे पेड़े को हम इसी तरीके से बनाकर ले लेंगे। तो मैंने सारे पेड़े यहाँ पर बनाकर ले लिए हैं। तो 100 ग्राम मैदे में मैंने बड़े साइज के पेड़े बनाकर तैयार किए हैं, तो 12 पीस बने हैं। और इसे मैं थोड़ा सा गार्निश कर देती हूँ इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर बादाम का यूज़ किया है, उसे पतले पतले स्लाइस में काट कर इस तरीके से गार्निश कर दिया है। आप बादाम की जगह
कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं अपने मन पसंद, या सिल्वर पेपर से भी आप गार्निश कर सकते हैं। तो मेरे पास सिल्वर पेपर नहीं था, मैंने यहाँ पर बादाम से ही गार्निश कर दिया है। आप पिस्ते से भी गार्निश कर सकते हैं इसे। तो देखिए कितना परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो गया है पेड़ा यहाँ पर। तो फ्रेंड, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पे अगर न्यू होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।